नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आज आप सभी के लिए लेके आए हैं 12 इंच 2 सबवूफर और 6 स्पीकर वाला सिस्टम। इसकी आपको लोगों को कुछ डिटेल्स देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे आज आप सभी के साथ। इसके अंदर आप बेसिकली तीन टॉपिक्स के ऊपर बात करी जाएगी। नंबर वन, स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो दूर तक क्यों नहीं जाती है और उनके अंदर से फटफट की आवाज़ क्यों आती है। नंबर टू, जो सबवूफर हैं वो प्रॉपर परफॉर्मेंस क्यों नहीं देते, लास्ट में जाके बेस क्यों कम कर देते हैं, स्पीकर्स की वॉल्यूम क्यों ज़्यादा रह जाती है। और नंबर थ्री, एक और सरप्राइज होगा, ये इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। ये बीच में आप लोगों को बताएंगे, इतनी जल्दी नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को प्रॉपर दिखाते हैं इसके डायग्राम वगैरह क्या कुछ इसके अंदर है। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जो लास्ट वाली होगी वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आप सभी को बहुत बेनिफिट देगी आई होप। और बेसिकली जो आज की बात है वो मतलब कि सबवूफर की परफॉर्मेंस के ऊपर है, मतलब कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं, क्या इसके डायग्राम है, क्या क्वालिटी यूज़ करनी चाहिए इसके अंदर और क्या कुछ होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके सिस्टम में कोई कंप्लेंट आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मैंने इसके ऊपर मेजरमेंट टेप रख दी है और ये 2 फुट 8 इंच है, मतलब कि 12 दुनी 24 24 और 8 32 32 इंच की दोस्तों ये इस तरफ से है लेंथ इसकी। और यहाँ पे बॉक्स होता है, ये 6 इंच के स्पीकर के लिए है। ये जो स्पेस है ये ट्विटर्स के लिए है, 2 इंच के गैप है और ये 1.5 इंच के गैप है जो एयर क्रॉसिंग के लिए है। साइड में भी 2 स्पीकर्स की स्पेस दी गई है, अंदर डिब्बी बनाई जाती है प्रॉपर, ताकि जो सबवूफर की बेस की हवा होती है वो स्पीकर्स को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जैसे सबवूफर चलता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, उसकी वजह से स्पीकर को डिस्टर्बेंस होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं यहाँ पे कोई बाहर का आउट ऑफ अदर पार्टी का वो आता है सिस्टम, हम देखते हैं कि उनकी जो सबवूफर की बेस की हवा है वो सिस्टम के मतलब स्पीकर्स के अंदर आती है और स्पीकर पड़ बोलने लग जाते हैं। तो वो वही प्रॉब्लम है भाई, उसके अंदर की फेविकोल निकल गई है या वो लकड़ी टूट गई है, गल गई है, तो वो प्रॉब्लम आती है। हमारी पेटी कम से कम 10 साल चलती है, 10 साल तक की इसकी गारंटी रहती है हमारी सिस्टम की, ठीक है जी। और ये साइड में भी आप सेम ही देख सकते हो, स्टील है प्रॉपर, फर्स्ट की स्टील होती है। इसमें आप लोगों को बता देते हैं, हमेशा बोलते हैं हम फर्स्ट की है, तो आप लोग पूछते होंगे के दिमाग में तो आता होगा कि यार फर्स्ट की है तो सेकंड की कौन सी होती है। तो भाइयों आपने देखा होगा जिन पेटियों के यहाँ पर एल्युमिनियम की पट्टी सी लगी होती है, मेरे पास है नहीं इस समय वरना मैं आपको दिखाता, तो ये तो एक रोल है, यहाँ से शुरू होता है प्रॉपर रोल करके यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, मतलब एक चादर है। वो क्या होता है, जैसे ये पेटी है आपका सिस्टम है, आपका किसी भाई का सिस्टम टूट गया तो वो इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं होगा, दुकानदार काट लेते हैं, स्क्रैप में चला जाता है, तो क्या करते हैं इसकी ये साइड डैमेज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी पेटी थी ट्रैक्टर के ट्रैली में लगा, बैक साइड उसकी टूट चुकी है, तो क्या होगा कि उसकी जो चादर की बैक साइड है वो ख़त्म कर देंगे और जो नीचे की साइड से जहाँ जहाँ से मतलब जो जो पोर्शन इसका बच गया है उस पोर्शन को वो निकाल लिया जाएगा, उस चादर को उल्टा करेंगे, पॉलिश करेंगे और फिर से लगा दिया जाएगा। बट वो तो टुकड़ों में हो गई, उसे जोड़ नहीं सकते, तो उसे जोड़ने के लिए एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं ताकि लोगों को पता ना चले। वो पेटियाँ सस्ती होती हैं भाई, वो स्क्रैप का माल होता है। और जो ये बोर्ड है आप देख सकते हो अभी न्यू है, इसमें कोई सलाब नहीं है, कोई पानी की उस्तरों नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर न्यू बोर्ड है। इसी के अंदर क्या हुआ कि जो पेटी टूट गई उसके बोर्ड भी निकाले जहाँ हैं, वो बोर्ड निकालने के बाद उन्होंने दोबारा फिर यूज़ कराया, उन पेटियाँ की जो लाइफ है दोस्तों बहुत ही कम है। मैं नाम नहीं लेता बट कुछ आप लोगों को पता ही है कि कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपके साथ ऐसा होया कि आपकी पेटी कुछ टाइम चली उसके बाद गल गई, टूट गई या सलाब आएगी या स्पीकर के अंदर लीकेज आएगी या पेटी के अंदर एक मतलब कि बहुत ही कम समय के अंदर ही कोई ना कोई फॉल्ट आएगा। एम्पलीफायर फॉल्ट बंदा मान सका है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी प्रॉब्लम तो है इसका, बट पेटी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इतनी जल्दी फॉल्ट आना नहीं चाहिए है। तो अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मनु, तो मैं उसका सोल्यूशन भी दूँगा आप लोगों को। और व्हाट्सएप नंबर तो नीचे गिवन है, ये आप लोग देख सकें यहाँ से। और तो दोस्तों आप सभी के सामने ये सामान है, आप लोग देख सकते हो इसके, तो इसकी डिटेलिंग देखते हैं। सबसे पहले लाइटिंग जो लेफ्ट साइड के स्पीकर उसमें ब्लू एंड रेड, और जो फ्रंट के स्पीकर होंगे दो उसमें येलो एंड ग्रीन, और जो राइट साइड के स्पीकर्स होंगे उसमें ब्लू एंड रेड, मतलब तो कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठ जाता है। जाली लोहे की होती है, ये मोटी डिब्बी वाली यूज़ करते हैं हम, मतलब प्रॉपर एकदम हैवी जाली जिसे बोल देते हैं वो चीज़ है। इसके अंदर कुंडे लगाएंगे अपना, वो नहीं लगाएंगे कि इसके अंदर छेद करके, वो लाइफ कम करती है, ठीक है। ऐसे करके 6 जालियाँ होंगी हमारी। और भाइयों ये रहे SS के स्पीकर, 1 2 3 4 5 6 SS का स्पीकर यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी जो वोकल है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत से भाई बोल देते हैं हम अपने हैंडमेड स्पीकर यूज़ करते हैं, ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं भाई, बट उसका फ़ायदा नहीं है ना हम यूज़ करना पसंद करा, क्योंकि भाई बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे।
भाई अपना काम आ सिस्टम तैयार करना, एम्पलीफायर में स्पेशलिस्ट हाँ, सब बूफर बनाने हैं, मैं भी अच्छे हाँ, सारी चीज़ा मतलब जिस चीज़ में अच्छे हैं उसमें अच्छा कहेंगे, जिसमें मीडियम है मीडियम कहेंगे, भाई जिसमें अच्छे नहीं हैं हम नहीं कहते हैं भाई। एक बंदा सारी तरह काम नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए लोगों को। तो हम लोग एस एस के स्पीकर यूज़ कराएँ, एस एस के स्पीकर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के, गोल्ड मैगनेट के अंदर होगा, सीवा का कपड़ा लगे होगा, और मतलब कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और वोकल इतनी ज़्यादा आना, मतलब 6 स्पीकर भी मतलब मार्केट के 10 स्पीकर हमारी पेटी के टक्कर में खड़ते हैं। डेपिक के ट्यूटर्स यूज़ करेंगे हमारे इसके अंदर, 100% ओरिजिनल आए हैं डेपिक के, और मोहर भी लग रही है इसके अंदर, 150 वाट के हैं ये, मॉडल नंबर भी लिख रहा है इसका JP102B। ये लोग आप ये आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट के जो NSP वगैरह के ट्यूटर्स होंगे थोड़ा कॉस्टली जरूर है, और इसके अधे रेट में आ जाएँ, मतलब कि इसके एक ट्यूटर की कीमतों में 2 आ जाएंगे, ज़्यादातर बंदे में ही लगावा 400 वगैरह के NSP हो गया, और बहुत से ब्रांड है उनके यूज़ करना पसंद करना, बट हमारी दो ही चॉइस रहा या फिर डेपिक या फिर मिलेनियम, नथिंग मोर देन डैट। तो पेटी बनावा हौलो हौलो आप लोगों को दिखावांगे भी प्रोसेस वगैरह क्या कुछ है, डिटेल में तो नहीं दिखाने का, बट ये है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, जिस बंदे जो थोड़ी नोटी नॉलेज है वो बंदा उसमें समझ लेगा बहुत जल्द, ठीक है जी। वीडियो में बने रहो। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि इसमें वायरिंग लग चुकी है, लाइट के साथ कनेक्ट कर दी गई है, आप सब देख रहे होंगे ये क्या चीज़ लगी है, एक्चुअली ये स्लीप वायर होती है, इसके अंदर मतलब जो टेप लगाते हैं ना भाइयों वो उतर जाती है कुछ टाइम के बाद, ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से डैमेज होने का प्रॉब्लम होती है, और हम लोग 1% भी चांस नहीं ले सकते कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई कंप्लेंट आए, हमारी कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर सिस्टम बनाया जाए, तो इसलिए इस बंदूक के साथ गर्म करके इस स्लीप को इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। ये उतरेगी भी नहीं, कटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, बहुत मोटी होती है टेप, जैसे कुछ समय के बाद ख़राब हो जाती है या डैमेज हो जाती है उतर जाती है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाइयों, इसे चलाइए। और अब इस लाइट को हम जालियों में लगाकर सीधा पेटी में ही दिखाएंगे आपको कि कैसे ये क्या कुछ किया गया है। लो जी, जाली में लाइट लग चुकी है, बैक साइड में डबल टेप लगी हुई है, और ऊपर से टाई भी लगा दी गई है, अब इन्हें पेटी में फिट कर देते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो जालियाँ लग चुकी हैं, स्पीकर लग चुके हैं, लाइटिंग लग चुकी है, ट्विटर लग चुके हैं, ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। तो कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं क्या नहीं आती, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्पीकर के अंदर फटफट की आवाज़ आती है, कि वो क्यों आती है, तो भाई उसका कोई रीज़न नहीं है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर फेविकोल भरा हुआ है, तो बहुत से जो पेटी बनाते हैं मेकर पेटी मेकर्स होते हैं, ये देख लिए ब्रादा फेविकोल मिक्स करके ये भी लगाया गया है। तो होता क्या है कि इसके अंदर थोड़ी लीकेज हो जाती है, कि जब सबवूफर प्ले हो रहा है तो हवा का प्रेशर बन रहा है, तो वो हवा इसके अंदर बढ़ जाती है, कहीं से भी यहाँ से बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ जाए, या वहाँ से मतलब कहीं से भी अंदर चली जाए, काफ़ी बार तो यहाँ से भी चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लू नहीं भरी जाती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पीकर्स के जो कपड़े के ऊपर होता है उसके ऊपर लोड आता है, और वो अच्छे से मूव नहीं हो पाता, तो स्पीकर का कपड़ा फड़फड़ फड़फड़ बोलने लग जाता है। तो जो दूसरी बात है वो ये है, तो जो दूसरी बात है भाइयों वो ये है कि सबवूफर काफ़ी बार लास्ट में जाकर आवाज़ तोड़ देते हैं, मतलब कि बेस ना जो है ख़त्म हो जाती है, सिर्फ स्पीकर्स की आवाज़ आती है, तो उसका कोई खास रीज़न नहीं है, उसका भी छोटा सा ये एक फॉल्ट होता है, जो अगर आप लोग चाहो तो आप ठीक कर सकते हो। जो आपके एम्पलीफायर के कैपेसिटर्स होते हैं वो छोटे डाले होते हैं, काफ़ी बार कुछ बंदे जो बना रहे हैं वो उसके अंदर कॉस्ट कटिंग करने के लिए, पैसे कम करने के लिए, उसके अंदर ही अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए कुछ भी लगा लो भाई, बट हम लोगों ने तो कभी ये चीज़ की ही नहीं। तो उसके अंदर होता क्या है कि जैसे 4763 डालना है कैपेसिटर 4700 mF का और 63 वोल्ट का, तो उसके अंदर वो क्या करेंगे 2263 डाल देंगे, 3763 डाल देंगे, ऐसे मतलब डाल देते हैं। तो जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी भाइयों वो ये थी कि जैसे एक सिस्टम कुछ चल जाता है कुछ समय चलने के बाद, काफ़ी मेरे भाइयों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, फोटोज भेजते हैं कि भाई वो बात नहीं रही, सिस्टम के अंदर वो क्वालिटी नहीं आ रही, कि सिस्टम वो बेस नहीं बना पा रहा, सिस्टम के अंदर वो आवाज़ नहीं आ रही जो पहले थी, सिस्टम के अंदर फड़फड़ की आवाज़ आ रही है, सिस्टम की आवाज़ लास्ट में जाकर टूट जाती है, सिस्टम की आवाज़ जब करते हैं तो बीच में कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है। तो बहुत सारे फॉल्ट हैं भाई, इन सभी फॉल्ट्स का आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। चाहे वीडियो कोई कस्टमर देख रहा है, चाहे कोई बायर देख रहा है, चाहे कोई शॉपकीपर देख रहा है, कुछ कोई भी देख रहा है भाई, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड रखो। ये टोन होती है भाई, ये तीनों टोनों का पेयर चेंज कर दो, मतलब कि पूरे पूरे सेट चेंज कर दो, आप लोगों को 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एल्कन की टोन इसके अंदर यूज़ करो और उसे चेंज कर दो, इसके पीछे कोई टेप नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना जो इसके पीछे छेद हुआ, इन्हें चेंज कर दो, सिर्फ इन्हें चेंज करने करने थे आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है ना
नमी नमी जैसी जैसा नवा सिस्टम था ऑलमोस्ट वहीं पहुंच जाए, क्योंकि जो आउटपुट है ना भाई वो इन्हीं के अंदर से निकल के जा रही है। अगर ये यहीं पुराने हो गए ना यार अंदर की, इनकी गरारियां खराब होगी, इनके ब्रीक से गरारी हुआ कभी तोड़ कर देखियो, और अगर डैमेज होगी ना तो उसकी वजह से आपको सिस्टम चलने का ही नहीं है। अगर आपके सिस्टम के अंदर ये सेम प्रॉब्लम आई है ना कि वॉल्यूम करने में आवाज़ फट रही है, खड़खड़ बोल रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराओ, फिर आप लोगों वास्ते लकी ड्रॉ वेट कर रहा है। 909 आई थिंक सब्सक्राइबर हो गए मेरे, ऑलमोस्ट 90 सब्सक्राइबर रह गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो वो भी बड़ी जल्दी पूरे हो जाएंगे। वीडियो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, तो ताकि हम लोग एक बढ़िया सा लकी ड्रॉ कटा, पहला तो कस्टमर्स वास्ता कटांगे, फिर अपने सब्सक्राइबर वास्ता भी कटांगे, आप सभी वास्ता। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई होप मेरा कंटेंट जो बनाया है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। उम्मीद तो यही रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी लेके आए, छोटी छोटी बातें होती हैं बट इनसे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ गलती लगी है तो उसके लिए सॉरी, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।